मतलब बता दो तो कैसे हैं आप सब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी जा होंगे खैर खैरियत होंगे। तो आज फ्रेंडशिप डे है और मेरी तरफ से जितने भी मेरे सपोर्टर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी फ्रेंडशिप डे, एंड मेरे फ्रेंड्स को भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अब बात करते हैं शीला भाई के बारे में। उससे पहले एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, जिन जिन लोगों ने मेरी डेली व्लॉग नहीं देखा है, आज भी मैं डेली व्लॉग अपलोड किया है मैंने, तो जो जो लोग मेरे डेली व्लॉग देखना चाहते हैं, मेरी ज़िंदगी से जो है रूबरू होना चाहते हैं, मेरी पर्सनल लाइफ कैसी है कैसी नहीं है, रोज़ का जो मेरा डेली रूटीन है, एक हिंदू मुसलमान की शादी में हम क्या खाते हैं, क्या पीते, कैसे रहते हैं, अगर ये सब चीज़ें आप लोग को जानना है तो प्लीज़ मेरे डेली व्लॉग जो है वो देखिए, और आप लोग का प्यार ऐसे ही मेरे डेली व्लॉग को भी दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। सारे के व्लॉग में तो आप लोग कमेंट करते हो और प्यार भी देते हो, बट मुझे लगता है जो मेरा पर्सनल जो व्लॉग है जिसमें सिर्फ मैं और मेरी दुनिया है, उसमें अगर आप लोग प्यार दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सब बात करते हैं सारा सत्तानी के ऊपर। तो मैडम जी जो है बहुत क्लास की बात करती है, बहुत एजुकेटेड बनती है, बहुत ही ज़्यादा जो है ना ऑनेस्ट बनती है। तो सायरा सत्तानी जी से मेरी गुजारिश है कि सायरा सत्तानी जी, आप तो इतना इंग्लिश झाड़ते हो, क्लैरिलेशन, क्या क्लैरिलेशन, इतना तो गलत इंग्लिश हम भी नहीं बोल सकते, फिर प्रेस कंट्रोल, मदर्स वुमेंस, फिर आर्ट्स गैलरीज, जो भी है आपकी जो अलग डिक्शनरी होगी आपकी इंग्लिश की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आप पढ़ी हुई हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो मेरा एक ही कहना है कि आप प्लीज़ मेक ए व्लॉग इन इंग्लिश, क्योंकि हमको भी देखना है कि आप कितनी पढ़ी लिखी हो, कितनी क्लास वाली हो, तो एक व्लॉग जो है इंग्लिश में ज़रूर बनना चाहिए। आप में से कितने लोग जो है शीला भाई की जो इंग्लिश वर्जन का जो व्लॉग है वो देखना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उनको जाके बताइए। और रहा सवाल शीला भाई की, तो उसके बारे में क्या बात करूँ, रोज़ उसकी तारीफ़ करती हूँ, रोज़ उसके और बुड्ढे की धुलाई होती है, मैं, नाजो, महा, हीमा, नूरापा, पता नहीं कौन कौन जो है, हीमा मतलब हिमाचली गर्ल इन द सिटी, उसको हम हीमा बोलते हैं, महामीर ब्लॉग्स को हम महा बोलते हैं, नाजो इंडियन ब्लॉगर को हम नाजो बोलते हैं, तो और आयशा मतलब तो आपको पता ही मेरा नाम है, तो जितने भी हम सारे लोग हैं, नूरापा मतलब नूर नायन रिएक्शन, तो नूरापा जितने भी लोग हैं हम रोज़ इसकी धुलाई करते हैं, लेकिन इस बेगैरत औरत को तो शर्मिंदगी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। बोलती है कि रोज़ क्या होता है, नहीं क्या, हाँ बुल्ली करना, एक वर्ड सीखी बुल्ली करना, उसको तो बुल्ली का स्पेलिंग भी शायद उसको नहीं पता होगा, ये एक्चुअली वो बुल्ली करती है, लेकिन हम हिंदी में ना, हमारे महाराष्ट्र में एक वर्ड आता है, गाली आता है, बुल्ली, बुल्ले के बाल या फिर बुल्ली, तो ये ना असली वाली जो बुल्ली है ना, ये है बुल्ली, तो ये बहुत बुल्ली बुल्ली की बात करती है, एक्चुअल में तो ये एक्चुअली वो बुल्ली होता है, लेकिन ये ओरिजिन में बुल्ली है, बुल्ली के बाल है ये, तो भाई ये एक स्लैंग है जो यूजली हम यूज़ करते हैं, तो भाई ये बहुत बुल्ली क्या होता है, मैं दिखाऊंगी, बुल्ली ये होता है वो मैं दिखाऊंगी, भाई बुल्ली तो क्या होता है तूने आज तक नहीं दिखाया, लेकिन हाँ तूने जो है अपनी जो असली छवि है ना, तो क्या है, कहाँ से आई है, तेरी मेंटालिटी एंड तेरा क्लास क्या है, वो तूने ज़रूर प्रदर्शन कर दिया कि चड्डी ला के ख़रीद के तू दिखा रही है, बता रही है, लोगों को बोल रही है कि बताओ ये किसका साइज़ है। आपने अगर इसका रील देखा होगा, कल की रील है, दो रील है, जिसमें वो जीन्स पहन के जो है, बूट कट जीन्स पहन के वो एक एयरपोर्ट में जा रही थी, और एक जो है ना घर में ही नाच रही थी, तो वो जो उसका जो साइज़ है ना नीचे का पिछवाड़ा जो है, या फिर इससे पहले भी आप लोगों ने उसका साइज़ देखा होगा, उसमें ऐसा लग रहा था कि एक हाथी का जो बच्चा है ना वो जीन्स में फंस गया हो। वो सना भाभी को सीमेंट की बोरी बोलती है, तो चलो सना भाभी तो सीमेंट की बोरी है, सना भाभी ये चीज़ एक्सेप्ट करती है, लेकिन भाई आप लोग मुझे ये बताओ कि भाई ये कौन सी एंगल से आपको स्लिम ट्रिम लगती है, मतलब जैसे कि मैं स्लिम ट्रिम हूँ, मतलब कि मैं उतनी भी मोटी नहीं हूँ, हाँ पतली सी हूँ, बट उतनी भी पतली नहीं हूँ, उतनी मोटी नहीं, मैं बीच की हूँ, हाँ ठीक है। तो मैं अगर किसी मोटे इंसान को, वैसे तो बॉडी शेमिंग नहीं करना चाहिए, बट मैं अगर किसी इंसान को
अगर मोटे इंसान को मोटी बोलूं तो भाई मुझे इतनी शर्म नहीं आएगी क्योंकि मेरा मतलब पिछवाड़ा अगवाड़ा इतना भी मोटा नहीं है कि मैं हाथी का बच्चा दिखूं। ये औरत जो सना भाभी को सीमेंट की बोरी बोलती है किस सैंगल से बोलती है, ये खुद को मुझे लगता है ना इसके मिरर में ना ये पर्दा डाल के रखती होगी खुद को ना देखने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है ये खुद को मिरर में देख ही नहीं पाती है, उसको इतनी शर्म आती होगी इसलिए ये खुद को ऊपर उठाने के लिए ना दूसरों को वही लोग गिराते हैं जो खुद ऊपर आना चाहते हैं, जो खुद नीचे है और नीचे से ऊपर आना चाहते हैं इसलिए अपने आसपास के लोगों को वो गिराने की और दबाने की कोशिश करते हैं। और एग्जैक्टली यही काम जो है ना शीला बाई करी, ये सना भाभी को सीमेंट की बोरी बोलती है। चलो ठीक है सना भाभी मोटी, मैंने भी सना भाभी इससे पहले भी जो है ना जिम ज्वाइन कर चुकी थी और मैंने भी मना किया था, मैंने बोला जाने तो भाभी अभी क्या ज़रूरत है, अरे बच्चे हो गए, पति तुम्हारा है, तुम्हारे साथ रह रहा है, अगर उनको दिक्कत नहीं हो रही तो तुमको क्या ज़रूरत है जिम जाने की। मैंने भी सना भाभी को मना किया था, उन्होंने जिम भी ज्वाइन किया था, उनको पता है कि उनका वेट जो है वो गेन हो रहा है तभी वो जिम ज्वाइन उन्होंने किया था। बट क्या होता है ना, तो छोटे बच्चों के माँ बाप माँ के लिए ना उतना टाइम माँ को नहीं मिलता है। और रहा बात जो है वो चड्डी लाने की, तो भाई वो जो चड्डी है ना वो तेरे साइज के ही तू लाई, एकदम बराबर माप की लाई, क्योंकि मुझे लगता है ना जो जीन्स में जो तेरी बॉडी है ना हाथी जैसा बॉडी जो फंसा हुआ है उससे बाहर निकल के तो तुझे शायद घुटन हो रही होगी, इसलिए रात को तू वो चड्डी पहन के तू सोती होगी और वो तेरे ही साइज़ का है, क्योंकि सना भाभी मोटी है लेकिन तेरी जैसा मोटी बिल्कुल भी नहीं है वो। हाँ ये है कि वो शॉर्ट हाइटेड है थोड़ा सा, जैसे कि हमारे हाइट की है इसलिए हम जैसे शॉर्ट हाइटेड लोग ना थोड़ा सा मोटा हो जाए तो हम ज़्यादा मोटे दिखते हैं, लेकिन तू तो लंबी चौड़ी औरत है, लेकिन तेरा पिछवाड़ा अगवाड़ा इतना गंदा है, सोच अगर तू शॉर्ट हाइटेड होती तो कितना, मैं ना लॉजिक की बात करती हूँ, मुझे हवा में बातें करना मुझे पसंद नहीं है, एकदम लॉजिक की बात करती हूँ कि शॉर्ट हाइटेड इंसान जो होता है ना थोड़ा सा अगर उनका पेट भर जाता है ना तो उनको मोटापा उनको मोटा दिखने लगते हैं वो यूजुअली। वो जो लंबे लोग हैं ना वो आसानी से मोटे दिखते नहीं हैं, पर आप सोचो इसकी हाइट तो अच्छी खासी होगी, ये इतनी हाइटेड औरत होके भी इसका अगवाड़ा पिछवाड़ा इसके हाथ की इधर से थुलथुले निकल गए, इसका पेट उसका कमर उसके थाइस याक इतनी गंदी लग रही थी। सना भाभी अगर सीमेंट की बोरी है भी ना, चलो मान लिया मैंने कि वो सीमेंट की बोरी है, वो चावल की बोरी है, वो आटे की बोरी है, वो बोरी है, लेकिन वो इस तरह की वाहियात कपड़े नहीं पहनती और अपना बॉडी शो नहीं करती है, वो अपने जो बॉडी है ना उसको पता है कि उसकी बॉडी किस शेप की है, वो उसके अकॉर्डिंग ही ड्रेसअप करती है, वो उसकी एज भी कम है, उसकी एज तो शीला बाई से भी कम है, फिर वो अपने तरीके से ड्रेसअप करती है, उस लेवल पर रह के वो ड्रेसअप करती है। आप बोलेंगे कि वो तो गाली देती है, अब रहा सवाल भाई गाली देने का, तो मैं भी गाली देती हूँ, ये अपना अपना तरीका होता है। हम क्या है ना कुछ कुछ लोग होते हैं जो मीठे मुंह से तलवार मारते हैं, कुछ कुछ लोग होते हैं अपने ज़बान से ही तलवार मारते हैं, ठीक है एकदम सामने से, तो वो जो भी है वो सामने है, ठीक है। और रहा बात के कौन इज्जतदार है कौन झोपड़पट्टी का है, तो जो औरत खुद स्लम एरिया से उठ के आके भाई स्लम इंग्लिश में झोपड़पट्टी को स्लम एरिया ही बोलते हैं, ठीक है, तो तुम इंग्लिश में बोलोगे तो वो स्लम एरिया तुम्हारे लिए ताजमहल नहीं बन जाएगा, वो रहेगा स्लम ही, ठीक है। अगर अकॉर्डिंग टू यू सना भाभी झोपड़पट्टी से उठ के आई है तो तू भी बोलती है ना तो स्लम एरिया से उठ के आई है, बस ये है कि सना भाभी के टाइम पे झोपड़पट्टी यूज़ करती है, तेरे टाइम पे स्लम यूज़ करती है, तुझे लगता है कि तू झोपड़पट्टी ना बोलकर स्लम बोलेगी तो ज़्यादा क्लासी लगेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तुझ जैसे अनपढ़ जाहिल लोग जो क्लियरिलेशन बोलते हैं और पेस्ट कंट्रोल को प्रेस कंट्रोल बोलते हैं और भी बहुत सारी गलत इंग्लिश बोलते हैं, ये तुझ जैसे लोगों को लगता होगा कि जो वर्ड हिंदी में सुनने में अजीब लगता है उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे तो वो कुछ क्लासी लगेगा। एक कहावत है ना, एक गाली है, ठीक है, एक गाली है हिंदी में कुत्ते का बच्चा, ठीक, और हम इंग्लिश में उसको बोलते हैं सन ऑफ ए बिच, ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों का मतलब सेम है, चाहे वो तुम इंग्लिश में दो या फिर हिंदी में दो, कुत्ते का बच्चा तो वो है ही, ठीक है। लेकिन उसको लगता है कि वो बहुत क्लासी है तो बार बार बोलते मैं स्लम से उठ के आई हूँ, तो भाई तू भी स्लम से उठ के आई है, सना भाभी भी स्लम से उठ के आई है, अकॉर्डिंग टू यू सना भाभी ने तो ये बात एक्सेप्ट कर ली, तो खुद के मुंह से कबूल थी कि तू स्लम से उठ के आई है, लेकिन तो खुद को बहुत क्लासी बताती है कि भाई मैं स्लम से उठ के आके भी क्लासी हूँ। तो भाई तेरा क्लास तो अब कहा गया था जब कल तू चड्डी दिखा रही थी सोशल मीडिया में और तो के अंडरगारमेंट्स तू दिखा रही है, उसका तू प्रदर्शन कर रही है और अपने व्यूअर्स से तू पूछ रही है कि सना भाभी का साइज़ क्या है,
है, किसका ये साइज़ है ये बताने के लिए तेरे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना। जो रील रिहाना आंटी ने बनाया था कुछ दिन पहले अपने अपर पोर्शन के लिए, वो रील तो तेरे बेटे ने भी देखा होगा। और तू बेटे के सामने गाड़ी में बैठ के तू रिहाना आंटी के जो है ना इनर पार्ट्स के बारे में तू बात करते, तेरे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आता? इससे समझ में आता है ना कि किसका क्लास किया है? जो औरत 60 साल की 65 साल की बुढ़ी औरत सोशल मीडिया में आके बोलती है कि बुल्ली करना क्या होता है, मैं दिखाऊंगी, इनर गारमेंट्स दिखा रही है, सना भाभी के साइज व्यूवर्स से पूछ रही है, तू अपना क्लास तो बताएगी तू क्या है क्या नहीं? अरे तेरा क्लास तो तभी पता चल गया था जब तू अपने पति के बारे में जब तूने गंदा गंदा बोला था, तभी तेरा क्लास पता चल गया था। तुझे अगर लगता है ना कि बुल्ली कर, अरे तू क्या बुल्ली करेगी, ये बुल्ली करना हुआ, ये तूने अपना जो इमेज है ना और डाउन किया। ये तू बेवकूफ़ है, तू क्लासलेस औरत है, तुझे पता ही नहीं है कि क्लास क्या होता है और सोशल मीडिया में किस हद तक दिखाना चाहिए। तू तो नंगी औरत है, तू तो सब कुछ ही दिखाती है, तो इसमें क्या बड़ी बात है कि नहीं है? तो भाई तुझे अगर लगता है कि तू ये सब दिखा के अंडरगार्मेंट्स दिखा के तू सना भाभी की इज्जत डाउन करे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इससे तेरी जो मेंटालिटी है और तेरा जो क्लास है, तेरी जो अपब्रिंगिंग है ना, वो जो है ना वो दर्शाती है। सना भाभी तो गाली देती है, वो ओपन नहीं बोलती, मैं भी देती हूँ गाली, मैं भी ओपन नहीं बोलती हूँ, मैं ये भी नहीं बोलती कि हमारा क्लास है ओ माय गॉड मेरा ये क्लास है वो क्लास है। सना भाभी नहीं बोलती कि मैं ये क्लास की हूँ वो क्लास की हूँ, पर तू तो बहुत क्लासी वूमेन है ना, बिजनेस वूमेन है, बहुत रिच है, इंडिपेंडेंट वूमेन है, तो तेरा क्लास कहाँ गया जब तू इनर गारमेंट्स जो है चड्डी वगैरह ब्रा पेंटी वगैरह जो तू, मैं हिंदी में ही बोलती हूँ भाई, तो आई मीन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट बट मैं हिंदी में ही बोलती हूँ भाई, मैं गर्मी में ऐसे बात करती हूँ कि उस टाइम पे तेरा क्लास का आ गया जब तू ब्रा पेंटी जो है औरतों की वो दिखा रही थी और पति को बगल में लेके जो है वो वीडियो शूट कर रही थी और कोने में दिखा रही थी, तब तेरे को तेरा क्लास याद नहीं आया? इससे समझ में आता है कि तेरी क्लास क्या है क्या नहीं है। तो मैं सही बात बोला, पैसों से क्लास खरीदी नहीं जा सकती, और इसका लाइव एग्जाम्पल जो है ना वो तू है, और वो जो तेरा भाड़े का टट्टू है ना, वो जो भाड़े का पति है तेरा, उसके बारे में क्या ही बोलूँ, वो पति है, मुझे तो नहीं लगता वो पति है, क्योंकि पति ऐसे नहीं होते, इतने निकम्मे भी नहीं होते। और तेरा पति क्या काम करता है, कितने एयरपोर्ट की टिकट्स कैंसिल हुई क्या नहीं है, उससे हमको क्या लेना देना? तो है ही शॉफ की दुकान, चलते फिर तो शॉफ की दुकान है, तो मार्केट से 20-20 रुपये की अंगूठी खरीद के लाती है, बोलते डायमंड की है, और वो तेरा हरा वाला जो अंगूठी है वो तो तेरा पुराना, तो बोलती तेरे पति ने दिया, वो तेरे पति ने दिया, वो तो पुराना अंगूठी है तेरा, उसका भी मैंने देखा है, मैं निकाल के तेरे को बताऊँगी कब तेरे पति ने गिफ्ट दिया कब नहीं दिया तेरे पति ने गिफ्ट, क्योंकि तू तो बहुत झूठ बोलते, तुझे लगता है ना तू पब्लिक को सी बना पाएगी, और तू मैं अंदर लाके मैटर दबाने के लिए सब तमाशा कर रही है। खैर अभी तो मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगी नहीं, आज रात लाइव में बोलेंगे हम सब आएंगे, जितने भी दोस्त हैं, मैं नाजो महामीर और हिमाचली जो जितने भी हैं, हम आएंगे लाइव, आके तेरी अच्छे से बैंड बजाएंगे, और साथ में हमारे जो चाहने वाले हैं जो हमको रियल में चाहते हैं वो तो आएंगे ज़रूर, और वो भी तुम लोग के जो ना बैंड अच्छे से बजाएंगे। एक साथ 6 लोग लाइव में ज्वाइन हो सकते हैं, हम 3-4 लोग रहेंगे लाइव में, और साथ में जो भी व्यूअर्स ज्वाइन होना चाहते हैं उनको भी ज्वाइन करेंगे, और तुम लोग के बजाएंगे ज़रूर, उनका भी ओपिनियन जानना बहुत ज़रूरी है। तो बोलती है ना व्यूअर्स बताना, वो तेरे भी व्यूअर्स ही आएंगे हमारे लाइव में, जो हमारे भी व्यूअर्स हैं, तेरी ही असलियत जो है ना पोल पट्टी जो है ना वही खोलेंगे, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है रात को। तो अभी मैं ब्लॉग ही पे ऐड करती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ आज खास जो है ना, मेरे स्टिचेस वगैरह में पेन हो रहे हैं, तो मैं ज़्यादा तो चीख चीख के या फिर ज़्यादा प्रेशर देके मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ की दुआ की दरख्वास्त है। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए यार, कमेंट करना मत भूलिए, कमेंट तो कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अभी तो हम यूट्यूब में लाइव आया करेंगे, मैं इंस्टाग्राम वगैरह में लाइव नहीं करूँगी, मैं थोड़ा हटके करती हूँ, और मैं अकेले भी नहीं आऊँगी, मैं हटके हूँ, तो मैं सबके साथ आऊँगी और सबके ओपिनियन जो है वो जानूँगी, और सब अपना ओपिनियन जो है, जिन जिन लोगों को अपना ओपिनियन रखना है वो मेरे लाइव में आके रख सकते हैं। रात के 10 बजे हम आएंगे, भूलना मत, रात के 10 बजे मेरे चैनल पे लाइव होगा, यूट्यूब चैनल पे आना ज़रूर, और आप लोगों का ओपिनियन जो है वो भी बताना ज़रूर। चलिए अल्लाह हाफिज़।